जय हिंद एवरीवन। बंकर ब्रीफिंग्स में आप सबका फिर से स्वागत है। कल की बंकर ब्रीफिंग में जो हमने थिएटर कमांड में पढ़ी, आप सबको बहुत पसंद आई, बहुत प्यार मिला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतनी सुंदर कमेंट्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट लवली कमेंट्स। बंकर ब्रीफिंग्स में आज का हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिड वॉरफेयर और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो पाकिस्तान और चाइना करते हैं, इसको हम समझेंगे क्योंकि ये टर्म्स बहुत कॉमनली यूज करे जाते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है और फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन को यूज कराता है साइकॉप्स को साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए या फिर पब्लिक को बरगलाने के लिए और पब्लिक को कंट्री के अगेंस्ट ही कर देना। तो यहां पर इंफॉर्मेशन को बहुत यूज करा जाएगा। हाइब्रिड वॉरफेयर की जब मैं बात करता हूं, वहां पर कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स दोनों को यूज करा जाएगा। कन्वेंशनल टैक्टिक्स आर्म्स वेपन जो हम नॉर्मल वॉर में देखते हैं, चाहे वो 1999 की कारगिल वॉर हो या फिर 71 72 हो, 48 हो, 65, दिस इज कन्वेंशनल वॉरफेयर। अनकन्वेंशनल में क्या आ जाएगा, जैसे साइबर अटैक्स करवाना, कंप्यूटर में बैठे बैठे पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स करना, जिसमें चीन ने महारत हासिल कर रखी है। उनका फेमस है APT-1 एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 1, जिसको PLA की यूनिट 61398 भी बोलते हैं। जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक। चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि माइंड मैप्स। हाइब्रिड एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर चैलेंजेस टू इंडिया एंड सॉल्यूशन, डेफिनेशन एंड स्कोप। ये हालांकि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्लियर बता दिया है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स, इरेगुलर टैक्टिक्स एंड साइबर वॉरफेयर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन एंड बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि मान लिया जाए दाऊद की, अगर आपको याद है, दाऊद की फेक इंफॉर्मेशन चला दी थी कि दाऊद मरने वाला है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर कम्युनिटीज को भड़काने की कोशिश करी गई थी कि सरदार जो पंजाबी कम्युनिटी है, सरदार कम्युनिटी है, देयर अगेंस्ट हिंदूज और हिंदूज आर अगेंस्ट देम। कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई करा देनी, डिस्कॉर्ड करा देना और अपने ही कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री के अगेंस्ट कर देना, इससे बड़ी एनिमी की कोई जीत ही नहीं हो सकती। ये है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, बात अब आप बात करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर कुछ इंसिडेंट्स की जो पाकिस्तान और चाइना ने करे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंसिडेंट्स देखिए, दाऊद इब्राहिम डेथ होक्स की फेक इंफॉर्मेशन फैला दी गई और उसमें आप सोचिए कि उन पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने ये न्यूज लाई और पूरी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको उठा लिया कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है। आप जरा सोचिए कि कुछ यूट्यूबर्स ही कर सकते हैं। पुलवामा अटैक पे मिस इन्फॉर्मेशन बनाई गई, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा था पाकिस्तान की, पाकिस्तान बोल रहा था कि ऐसा कोई अटैक ही नहीं हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ 4 पेड़ गिरे, जबकि सबको ये बात पता थी कि वहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर जो मिलिटेंट्स के अड्डे हैं उनको तहस तहस कर दिया गया, निस्ते नाबूद कर दिया गया है। तो आफ्टर द पुलवामा अटैक इन 2019 न्यूमरस फेक स्टोरीज एंड डॉक्टर्ड इमेजेस निकाली गई। उसके बाद फॉलोइंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ISPR सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। तो पाकिस्तान का DG ISPR है ना, आई वॉन्ट कि आप इनका यूट्यूब पे जाकर चैनल देखिए जहां पर इन्होंने कश्मीर से रिलेटेड फेक वीडियोज बनाए जिसमें ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से दुराचार कर रही है, किस तरीके से कश्मीर के अंदर इतने ज्यादा फेक ऑपरेशन करे गए हैं, फेक एनकाउंटर्स करेंगे, ये सब कुछ पाकिस्तान DG ISPR का चैनल बना रहे हैं। इवन ड्यूरिंग माय ब्यूरो डेज हमने सब कुछ देखा है जो पाकिस्तान करता है। क्यों करता है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि प्रॉपर वॉरफेयर में भारत से कभी जीत नहीं पाएगा, ना ही उसके पास पैसा है कि वो जीत पाए। दैट इज वाई इट डज दिस, बिकॉज ये बहुत सस्ता और चीप भी है एंड दे आर गुड इन दिस। लेट मी गिव दैट, दे आर गुड इन दिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। COVID-19 डिसइंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडमिक सेवरल फेक न्यूज आर्टिकल्स वगैरह सारे चलाए गए कि इंडिया की तरफ से कोविड फैला है। वो तो सारी दुनिया को पता लग गया था कि चीन ही है जिससे यहां से फैला, और फेक इंफॉर्मेशन के अंदर, और अगर मैं बोलूं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अगर दुनिया में कोई बाप है तो वो CIA है जो ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना देता है। बट एनीवेज, फार्मर्स प्रोटेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन 2020-2021 पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिवली स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लेम सेंटिमेंट्स एंड क्रिएट डिस्कॉर्ड अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया। ये तो हमने देखा ही था फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे, एंड द रिवाइवल ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट भी हुआ उस टाइम पर, जो आज हम देख ही रहे। चाहे अमेरिका को गुरप्रीत सिंह पन्नू वाला जो केस निकल कर आ रहा है, तो वो रिवाइवल हुआ है। एंड टूडे अगर आप कश्मीर की मिलिटेंसी को देखें, कश्मीर मिलिटेंसी में पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी, बट द खालिस्तानीज डेफिनेटली हैव मनी, एंड दैट इज व्हाई इट इज इवन अ मच बिगर एंड डेंजरस प्रॉब्लम। नक्सलिज्म कम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, इंसर्जेंसी भी कम हुई है एक्सेप्ट द मणिपुर इशू, बट कश्मीर में भी, साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी आ रही है, क्योंकि आपको पता है साउथ कश्मीर की तरफ, पीर पंजाल की तरफ ये मूव कर रहे हैं। तो
ऑपरेशन सर्वशक्ति सर्व विनाश के बारे में जरूर पढ़िएगा, एंड सिमिलरली बट द रिवाइवल ऑफ खालिस्तानीज इज हैपनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बात होती है टैक्टिक्स क्या यूज करते हैं, फेक न्यूज एंड हॉक्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, तो टारगेटिंग इंडियन सिटीजन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, रैपिड डिसिमिनेशन, डिसिमिनेशन मतलब फेक इंफॉर्मेशन को फैलाना। आप जरा सोचिए कितना सस्ता गेम है, इसमें कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं लग रहे, अच्छे लैपटॉप सिस्टम लग रहे हैं, और फिर चलो और इसके बाद इंडिया में 0.5, और इंडिया में भी इनके एजेंट बैठे हुए हैं, मीडिया में इनके लोग बैठे हुए हैं जो इसी चीज को बढ़ावा देते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं साइबर वॉरफेयर की। अगर आप साइबर वॉरफेयर में बात करें तो साइबर अटैक्स में पाकिस्तान और चाइना में चाइना बहुत बहुत ज्यादा आगे है। अगर आप देखिए चाइना के अटैक्स की मैं बात करूं, ऑपरेशन रेड एको के बारे में बात कर लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी पावर ग्रिड्स थी उस पर अटैक कर रहा है, और चाइना कंटिन्यूअसली अटैक करता है उनका APT-1, APT-10। APT का मतलब होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। तो जो APT-1 है 61398 जो पाकिस्तान की PLA की यूनिट है, उसका काम ही साइबर एस्पिनाज, साइबर सैबोटाज, साइबर ऑपरेशन करना है। तो फ्रीक्वेंट साइबर अटैक्स ऑन द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वेबसाइट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 2017 का वॉर्ना कराया रैंसमवेयर अटैक जिसने काफी सारे इंडियन वेबसाइट्स को या फिर सर्विस सेक्टर को पकड़ लिया था, इन द सेंस डिक्रिप्ट कर दिया था और बेसिकली ब्लॉक कर दिया था कि अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको रैंसम और फिरौती देनी पड़ेगी। और ये जो अटैक था ये लाजोरस ग्रुप ने अटैक करा था, जो नॉर्थ कोरिया बेस्ड APT या FM करेक्ट APT-38 होना चाहिए, 38 or 36, आई थिंक इट्स APT-38। एंड ये नॉर्थ कोरिया का जो लाजरस ग्रुप है, इट हैज ह्यूज ह्यूज लिंक्स विद द चाइनीज। तो चाइनीज ये भी करते हैं, जब अटैक खुद नहीं कर सकते तो आउटसोर्स करते हैं, नॉर्थ कोरियंस आर वेरी गुड इन दिस। ओके, तो 2017 वॉनाक्राई रैंसमवेयर अटैक लाजरस ग्रुप का है, सोनी पिक्चर्स का अटैक इनके ऊपर करा गया था जब इंटरव्यू मूवी आई थी किम ऑंग जन के ऊपर, बांग्लादेश के बैंक हीस्ट का जो अटैक था वो भी इन्होंने करा था, $81 million लेकर उड़ गए थे ये, एप्पल जूस का अटैक भी इनका था। उसके बाद 2019 कोडाम कलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट साइबर अटैक भी चाइनीज, 2020 मुंबई पावर ग्रिड अटैक अगेन चाइनीज। तो चाइनीज आर वेरी वेरी गुड इन साइबर अटैक्स, उनके पास पैसा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज आर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेड एको साइबर एस्पिनाज कैंपेन जो था, अ चाइनीज हैकर ग्रुप नोन एज रेड एको टारगेटेड इंडियन पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू इंस्टॉल मालवेयर एंड कंडक्ट लॉन्ग टर्म एस्पिनाज की मैलवेयर डाल दिया जाए। अब मैलवेयर क्या है, कोई भी मलेशियस सॉफ्टवेयर है वो क्या कर सकता है, सिस्टम में बैठ सकता है, इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, एस्पिनाज कर सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो सिस्टम को सैबोटेज कर सकता है। जैसे कि अगर आपने स्टक्सनेट ऑपरेशन के बारे में सुना हो जो ईरान के अंदर करा गया था, जिसके अंदर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेंट्रीफ्यूजेस उड़ा दिए गए थे, एंड दैट वाज डन बाय थ्रू अ वॉर। एंड प्लीज रिमेंबर इजराइल था उस ऑपरेशन के पीछे, जरूर पढ़िएगा उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स एस्पिनाज। तो हमने कर लिया हैकिंग अटेम्प्ट्स टू सीन। अब क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए करा होता है। चाइना के पास अमंडर बजट है, ठीक है, बहुत बजट है उनके पास, पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है, टैक्टिक सेम है, बट चाइनीज आर वेरी वेरी गुड इन दी साइबर अटैक्स, दे आर फार फार अहेड ऑफ इवन अमेरिका। अमेरिकन सेनेट का कहना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेनेट का ये कहना है कि दैट अमेरिकन साइबर एक्टिविटीज और जो साइबर पे वो आज उनकी पकड़ है, दैट इज एट किंडरगार्टन लेवल कंपेयर टू चाइनीज। प्रॉक्सी वॉरफेयर के अंदर टेररिज्म के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये हम सबको पता है, नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करा जाता है, जिस पर पाकिस्तान और चाइना फ्यूचर में मना कर सकते हैं, पाकिस्तान इसको ज्यादा यूज करता है, इसमें वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अब्टाबाद के अंदर ही ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से 1.5-2 किलोमीटर दूर बैठा था। तो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ऑलरेडी बदनाम है। सपोर्ट टू इंसर्जेंसीज, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नक्सलम, खालिस्तानी, उनको पैसे का सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना और वेपन्स का सपोर्ट करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू डू इट। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक वॉरफेयर, ट्रेड डिसरप्शन, अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट इंडिया ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा, बॉयकॉट कैंपेन ड्यूरिंग द 2020 इंडिया चाइना बॉर्डर स्टार्ट, चाइनीज स्टेट मीडिया सोशल मीडिया अटेम्प्टेड टू डिस्क्रेडिट इंडियन गुड्स, अच्छे गुड्स नहीं है। अभी रिसेंटली हमने MDH के केस के अंदर भी देखा है, आप नेस्ले की कंपनी को उठाओ, उससे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, जो 0 to 2 years में शुगर नहीं डालनी होती है वो शुगर भर भर के डाल रही है, जो WHO मना कर रहा है, एंड दैट शुगर कंटेंट बेबी प्रोडक्ट्स आर बींग सोल्ड हाईली इंडिया एंड एशिया, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है।
बट एमडीएच के प्रोडक्ट्स पर क्वेश्चन उठ गया बिकॉज दिस इज अ राइजिंग इंडिया, दे विल डेफिनेटली क्वेश्चन. तो समथिंग टू थिंक अबाउट कि नेस्ले पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं हो रहा है, कि नेस्ले के अच्छे प्रोडक्ट्स अमेरिका और यूरोप के लिए, बट घटिया प्रोडक्ट जो सालों से भारत में और एशिया में बेचे जा रहे हैं उस पर अभी भी कुछ खास, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रिंजेंट लॉज ही नहीं है. एंड दिस इज नॉट अबाउट दिस गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट, दिस इज अबाउट गवर्नमेंट्स, दिस इज अबाउट लॉज, दिस इज अबाउट जुडिशरी. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसी के अंदर अगर हम देखें ट्रेड डिसरप्शंस, उसके बाद सैंक्शन एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर, यूजिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स टू पुट इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन इंडिया, चाइनाज ब्लॉकिंग ऑफ इंडियाज एनएसजी मेंबरशिप, चाइनाज रिपीटेडली ब्लॉक्ड इंडियाज बिड टू ज्वाइन एनएसजी ग्रुप. अब क्या होता है, अगर आप एनएसजी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, आपके पास यूरेनियम फ्यूल की प्रॉब्लम होती है. फ्यूल अगर आपके पास नहीं आएगा, आप एनर्जी नहीं पैदा कर सकते, एनर्जी पैदा नहीं कर सकते तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है वो भी तो नहीं हो सकती, राइट. दिस इज द एंटायर एंगल की किसी भी कंट्री की एनर्जी चुरा लो, किसी की एनर्जी कंट्री की स्टेबिलिटी चुरा लो, किसी भी कंट्री की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लो, और जब ये सब ना हो पाए तो उस कंट्री के सिटीजन को कंट्री के खिलाफ ही भड़का दो. मैं कितनी बार इंस्टाग्राम पे पढ़ता हूँ, लाइक पीपल आर रेडी टू बिलीव ऑन वॉट पाकिस्तान सेज अबाउट बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और व्हाट दे से अबाउट जो इंडियन आर्मी करती है. मतलब उनकी कंट्री ठीक है, यूनाइटेड है, मतलब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, एटलीस्ट बाहर के लिए तो हम सब यूनाइटेड होकर रह सकते हैं ना. हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, वी कैन बी अ क्रिटिक टू द गवर्नमेंट, बट दैट डज नॉट मीन वी बिकम सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान एंड देयर फॉल्स थ्योरीज, बिकॉज भैया वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर करें. अब आती है बात सोल्यूशन की. इसका सोल्यूशन, अब इसके अंदर AI भी ऐड हो गया है जो डीप फेक बना रहा है, इसके सोल्यूशन जो है आपके तब तक नहीं निकलने वाले हैं, इसके सॉरी आई बिग योर पार्डन, इसके सोल्यूशन आपके तब तक नहीं निकलने वाले हैं जब तक पब्लिक इसके बारे में अवेयर नहीं होगी कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन कैसे फैलाई जाती है, फेक इंफॉर्मेशन कैसे फैलाई जाती है, दाऊद वाली इंफॉर्मेशन क्यों फैलाई गई, क्या पाकिस्तान का एजेंडा है, क्या चाइना का एजेंडा है. तो गवर्नमेंट की अगर जब तक तो कोई कमेटी या एजेंसी लोगों को ये बताएगी नहीं, और उसके साथ जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम पे, जब तक वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक जो हमारी पब्लिक है वो आपस में, चाहे वो ध्रुव राठी हो, मोदी जी हो या कोई और हो, इन्हीं के बीच में लड़ते रहेंगे और इसी से पाकिस्तान और चीन को फायदा होता रहेगा. आपकी पॉलिटिकल लीनिंग्स कहीं पर भी हो सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री यू नीड टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिड एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर विच इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना, एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी रियल एंड लीथल, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग. ऐसा नहीं है ये हो रहा, ये होएगा, ये ऑलरेडी हो रहा है, हम इसके ऑलरेडी शिकार बन रहे हैं और मल्टीपल जगहों पे साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू इंडियन एजेंसीज वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर, बट एट द एंड ऑफ द डे जो चाइना ने कमांड साइबर में पाई हुई है वो काफी अहेड है, एंड इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट. होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थोड़ी स्पीड रही है मेरी इस टॉपिक के अंदर, और क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लंबा था, एंड काफी सारी चीजों को मैं बताया. 2020 का महाराष्ट्र का जो साइबर अटैक हुआ था पावर ग्रिड्स के ऊपर, इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करी गई थी, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा. तो दीज आर सर्टेन इंसिडेंट्स विच आई डिस्कस. दाऊद इब्राहिम पुलवामा में, आफ्टर पुलवामा न्यूमरस फेक न्यूज एंड स्टोरी सर्कुलेट कर दी गई कि हमने आपके यहाँ पर ये अटैक कर दिया. और बेसिकली क्या है, जो आपके लोग होते हैं उनको सरकार पे भरोसा उठ जाए, उनका मोराल गिर जाए. अगर मेन वॉर में ये कर दिया गया तो आप सोचिए क्या इम्पैक्ट होगा. अगर कम्युनिकेशन दो जगहों पे टूट जाए और इस तरीके का वॉरफेयर हो और आपकी जनता और फौज प्रिपेयर्ड नहीं है तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है. और आर्मी से भी ज्यादा, फोर्सेस तो प्रिपेयर्ड होंगी, अगर आपकी जनता प्रिपेयर्ड नहीं है तो दिस इज वेरी डेंजरस. And I want people to be aware about it. जरूर बताइएगा लोगों का. And आप लोगों से मैं ये please put the जो भी topics आप चाहते हैं मैं इसमें cover करूँ, please put them in the comment section. I'll try to take those topics. And it was again great meeting you in Bunker Briefings. और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. Take care and जय हिंद.